हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं और बच्चे अब 1.5 महीने के लिए घर में रहने वाले हैं, तो आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने इसको बहुत हेल्दी बनाने की कोशिश की है। खरबूजे का शरबत, ये सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए खरबूजे का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। खरबूजे का शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 पीस खरबूजा, वजन में लगभग 500 ग्राम के आसपास है। खरबूजे को हम सबसे पहले कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बीज बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बीज को हमने खरबूजे में से बाहर निकाल दिया है। सबसे पहले हम खरबूजे में से खरबूजे का पल्प अलग कर लेंगे। इसको हमने काटा नहीं है, बस हम चम्मच की सहायता से इस तरह से सारे पल्प को बाहर निकाल लेंगे और ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। और अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे। खरबूजे के पल्प को हमने जार में डाल दिया है। दूसरे पीस में से भी पल्प इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे और जार में डाल देंगे। खरबूजे में से हमने सारा पल्प निकाल के जार में डाल दिया है और जो खरबूजे का कवर है इसको हमने फेंका नहीं है, इसको हम बाद में यूज में लेंगे, इसलिए इसको साइड में रख देते हैं। खरबूजे के पल्प का हम एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। खरबूजे का जूस रेडी है, हमने एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी गांठे नहीं है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे और फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 से 3 ग्लास पानी। यहाँ पे हमने 4 चम्मच साबूदाना धोकर के भिगोकर के रखे थे, ये अच्छे से फूल चुका है। लगभग आधे घंटे पहले हमने इनको धोकर के रखा था, इनको हम इस पानी में डाल देंगे। साबूदाने को अच्छी तरह से पकने देंगे, अच्छी तरह से पानी में बॉईल आने देंगे। साबूदाना बॉईल होता है जब तक हम खरबूजे के शरबत के लिए मिल्क तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल और बाउल में डाल देंगे हम 1/2 लीटर दूध, फुल क्रीम दूध है। हमने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमने दूध में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को भी हम मिल्क में डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खरबूजे के शरबत के लिए दूध भी तैयार कर लिया है हमने और साबूदाना भी लगभग हमारा तैयार हो चुका है। आइए वापस साबूदाने के पास चलते हैं। साबूदाना भी बॉइल हो चुका है और देखिए फूल के कितना मोटा मोटा साइज हो गया है साबूदाने का। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट से साबूदाने को एक छलनी में छान लेंगे। साबूदाने को हमने छलनी में छान लिया है और ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया है ताकि फटाफट से हमारा साबूदाना ठंडा हो जाए। अब हम इसको भी एक साइड में रख देंगे। हमने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम तैयार किए हुए दूध को डाल देंगे। कढ़ाई में कस्टर्ड वाले दूध को डालने के बाद में हम इस तरह से लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे कस्टर्ड पाउडर चिपकने लग जाएगा। दूध गाढ़ा होने लग गया है और कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। दूध में उबाल आ गया है, गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और तैयार किया हुआ साबूदाना हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे। साबूदाना डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी साबूदानों का दाना अलग अलग हो जाए, आपस में चिपके नहीं रहे। देखिए साबूदाने अलग अलग हो चुके हैं और दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आइए अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं क्योंकि शरबत बनाने जा रहे हैं और शरबत तो मीठा ही अच्छा लगता है। गैस के फ्लेम को कम कर देंगे। अब हम डाल रहे हैं चीनी। हमने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। शरबत बनाने जा रहे हैं, मीठा ही अच्छा लगता है। चीनी को घुलने देंगे और लगातार इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। देखिए चीनी भी घुल चुकी है और हमारा कस्टर्ड वाला दूध बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। खरबूजे के शरबत के लिए हमने दूध को एकदम अच्छे तरह से ठंडा कर लिया है। 15 मिनट के लिए हमने इसको फ्रीजर में रख दिया था। खरबूजे का पल्प हमने तैयार किया था, ये भी हमने फ्रिज में रख दिया था, ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हम दूध में मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच सब्जा के बीज भिगो के रखे हैं, ये भी हम डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और गर्मियों में बहुत ही ठंडक करते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
देखिए कितना बढ़िया हमारा खरबूजे का शरबत बनके तैयार हुआ है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी कितना प्यारा आया है। अब हम डाल देंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। एक चम्मच हमने यहाँ पे काजू कट करके रखे हैं, एक चम्मच बादाम कट करके रखे हैं, एक चम्मच हमने पिस्ता कट करके रखा है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने डाल दिया है और देखिए सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ठंडा ठंडा शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व भी कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया शरबत बनके तैयार हुआ है। आइए ठंडा ठंडा शरबत सर्व कर देते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमने सर्व भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप इस गर्मी में खरबूजे का ठंडा ठंडा शरबत बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।